अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है मास्टर पफ और यूनी पफ। जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में घी को डाल दिया है। इसमें हम दानेदार घी यूज़ करेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम घी को मेल्ट कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, सिर्फ मेल्ट करना है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि आप बेकिंग के लिए कौन सा बटर यूज़ करती हैं, तो मैं यही बटर यूज़ करती हूँ। इसे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे केक्स, बिस्किट्स और पेटीज वगैरह बना सकते हैं। इसे तब तक मेल्ट करेंगे जब तक कोई भी दाना ना रहे इसमें। अब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और घी को हम रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। अब एक बाउल में क्रश्ड आइस लेंगे और घी को इसमें डाल देंगे। आप न्यू रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हल्का हल्का सा हिलाते रहेंगे ताकि कोई बड़ा सा लम्स ना बन जाए घी का। अब हम इसमें चिल्ड वाटर डाल रहे हैं, साथ साथ हिलाते रहेंगे। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारी जो आइस है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब इसे ढककर 6 घंटे के लिए रख देंगे। छः घंटे हो चुकी हैं और आइस जो है वो मेल्ट हो गई है। अगर आपकी आइस मेल्ट ना हुई हो तो आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। अब इस तरह से इसे उठाएंगे और एक बड़ा सा लम्स बना लेंगे। अच्छी तरह से सारा पानी दबा दबा के निकाल देंगे। हमें इसका सारा पानी रिमूव करना है क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो यूनिपफ अच्छा नहीं बनेगा। सारा पानी निचोड़ दिया है। इसी तरह सारे यूनिपफ्स बना लेंगे। अब एक बटर पेपर लेंगे और इसे सेट कर देंगे। इसे हम रैप करके तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। इस तरह सारे यूनिपफ्स रैप कर दिए हैं और अब इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। तो रेडी है मास्टर पफ और यूनी पफ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यूट्यूब पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।